उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दशकों दशक से हिंसा से जूझ रहे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है, आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। साथियों, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे इन राजनीतिक दलों की हमारे खिलाफ साजिशें चलती रहेगी, लेकिन हम देशवासियों के सपनों को, देशवासियों की आकांक्षाओं को दबते हुए, बिखरते हुए, सिमटते हुए, मुरझाते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमारा जोर देश के विकास पर है, देशवासियों के कल्याण पर है। हमारे परिश्रम से जो परिणाम मिले हैं, इसकी गवाही वो आंकड़े दे रहे हैं जो पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर बीते 15-20 दिनों में सामने आए हैं। और मैं सभी देश और दुनिया में भाजपा के कार्यकर्ताओं को हमेशा हिसाब देने की आदत रखता हूं, काम का ब्यौरा हर मौके पर देता रहता हूं। मैं आज सिर्फ 2-3 सप्ताह की ही झलक दिखा रहा हूं आपको, 15-20 दिन की। इतने छोटे से काल में हर भारतीय को गर्व होगा